चिपकली ठंड में क्यों नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सर्दियों में चिपकलियां कहाँ चली जाती है? तो हम आपको आज बताते हैं, कोई भी जैविक हार्मोन 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ही सही ढंग से काम करता है। इसीलिए सभी स्तनधारियों का तापमान हमेशा निश्चित रहता है ताकि उपापचय क्रिया ढंग से काम करे। लेकिन उभयचर और सरीसृप में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यह अधिक गर्मी और अधिक सर्दी को सहन नहीं कर पाते हैं। वह ग्रीष्म व शीत सुप्तकालीनता दर्शाते हैं, जिसमें वे धरती में बने बिल या दीवारों के दरारों में जाकर अपनी उपापचय क्रियाएं बहुत कम कर देते हैं, जिससे उनकी एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं होती है ताकि भोजन की आवश्यकता ना पड़े। वह ज्यादा समय तक यह प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव कर सके। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, वे दोबारा सामान्य अवस्था में आ जाती है और इस प्रकार यह महीनों से शीत निष्क्रियता में व्यतीत करती है। चिपकली ठंड के समय के दौरान हाइबरनेट करती है, अपने घरों को पेड़ की चड्डी में, चट्टानों के नीचे या जहां भी आश्रय बना पाती है। चिपकली ठंडे खून वाली या एक्ट्रोथर्मिक होती है, जिसका अर्थ यह है कि उसके पास आंतरिक हीटिंग की क्षमता नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे कि चिपकलियां सर्दियों में किसी गहरी जगह छुप जाती है जहां वह अपने तापमान को उचित बनाए रख सके।